मैंने आपसे दो तीन वायदे किए थे, हर भाषण में मैं कहता था कि हमारी सरकार आएगी तो दो तीन काम पक्के होंगे, गारंटी करके होंगे। सबसे बड़ा काम किसानों का कर्जा माफ, वो कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय बीजेपी के सब नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सच नहीं बोल रही है। हमने यह भी कहा था कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल किसान को धान के लिए रेट मिलेगा। बीजेपी के सब नेताओं ने कहा ऐसा तो किया नहीं जा सकता, कांग्रेस ऐसे ही कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमने वायदे किए थे पूरे हुए? कोई यहां पे कह सकता है कि नहीं किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, नहीं 2500 रुपए के लिए हमें धान के लिए नहीं मिलता, कोई कह सकता है यहां पे? कोई नहीं कह सकता। आपका मेरा दो तीन महीने का रिश्ता तो है नहीं, आपका रिश्ता मेरा रिश्ता पुराना रिश्ता है। आप इंदिरा गांधी जी को याद करते हो, जवाहरलाल नेहरू जी की याद करते हो, तो मेरा रिश्ता आपके साथ जो है वो गहरा रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं यहां आके आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। प्रधानमंत्री यहां आए, उन्होंने आप सबसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा, कर दिया? भैया बाद में कीजिए। किसी के बैंक अकाउंट में नहीं आया। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, मिट गया। कहा था किसानों का किसान बिल से फायदा होगा, किसानों ने स्वयं बिल को रद्द कर दिया। देश के सारे किसान खड़े होकर कहते प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, हमें नहीं चाहिए ये बिल। तो आप जानते हो सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है। हम वहां नहीं रुके, हमने आपसे कहा था कि धान के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल हम देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आस्ते 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 बढ़ता गया। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? तो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, हमने अनाउंस किया है कि 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। लिख लो रख लो, 5 साल मैंने 2500 कहा था, अब मैं कह रहा हूं 3200 से शुरुआत होगी, शुरुआत। मतलब 3200 से शुरुआत होगी और उसके बाद यह बढ़ता जाएगा जितनी जितनी जरूरत किसान को होगी। जो हम कर सकेंगे हम करके दिखा देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि भैया हमें ज्यादा पैसा चाहिए। आप देखना वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।